Hello everyone today we will learn science chapter number 2 all together we use a water and food sometimes we see them being misused environment gives us land to grow food and build houses do we really do anything to maintain and preserve it our country shows diversity in religion caste language sex and status

सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन आजकल ये सारे मिस यूज़ हो रहे हैं एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूट हो रहे हैं हमको ये प्रिजर्व करना चाहिए ये नेचुरल रिसोर्स को बचाना है मेंटेन करना है एंड प्रिजर्व फॉर नेक्स्ट जनरेशन और कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी और कंट्री शोज़ डाइवर्सिटी इन रिलीजन कैस्ट लैंग्वेज एक्सेट्रा वी शूड थिंक अबाउट वेयर दिज फैसिलिटीज़ आर डराइव फ्राम हमको ये सोचना चाहिए ये फैसिलिटीज़ हमें कहाँ से मिला था उनको हम मिस यूज़ क्यों कर रहे हैं ये चैप्टर में हम फैसिलिटीज़ के बारे में हम जानकारी ले लेंगे वी विल शेल डिस्कस अबाउट द फैसिलिटीज़ ओके नेक्स्ट स्टोरी वंस अ बॉय नेम्ड आर्यन रीच अहमदाबाद नो बडी नोस वेयर ही केम फ्रॉम Where will he stay and what will he do to get food? All our needs are fulfilled by our parents, but who will help this boy? What will happen to him? एक छोटा सा story है, ये story में एक छोटा सा लड़का है Arya ने, ये एक एक बार वो अहमदाबाद आया था, उनको कोई पहचान वाला वहाँ पर है नहीं है, तो where will he stay? वो कहाँ रहेगा? उनके उनके लिए खाने के लिए फूड कहाँ से मिलेगा ये लड़का का नीड्स कौन फुलफिल करेगा देन वॉट हैपन टू हिम नेक्स्ट टर्न टू द पेज नंबर ट्वेल्व सी द पिक्चर्स एंड गिव द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर वुड आर्यस फर्स्ट हाउस बी आर्यन का फर्स्ट हाउस क्या हो सकता है इनका तो घर नहीं कोई पहचान वाला है नहीं है सो देर आर द टू सीमेंट पाइप्स बिसाइड द रोड सीमेंट पाइप वुड बी आर्यन फर्स्ट हाउस ओके नेक्स्ट विच फैसे वुड आर्यन हैव फर्स्ट वेन आर्यन फर्स्ट केम टू अहमदाबाद ही वॉज हैविंग नो होम टू लिव उनको रहने के लिए घर नहीं था वो कहाँ रहने लगा था सीमेंट पाइप में रहने लगा था ही कुकड फूड हिमसेल्फ

स्टार्ट लिविंग इन द पाइप दूसरा लड़का क्या लाया होगा उन्होंने एक मैट लेकर आए है शेड ओके सीन द पिक्चर लास्ट सेकेंड उसमें दोनों शेड बना के इसका नीचे बैठे थे नेक्स्ट हु विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू बोथ द बॉयज बींग टेदर आई थिंक बोथ बॉयज विल बेनिफिटेड बाय लिविंग टुगेदर बिकॉज uh, एक लड़का को खाना बनाना नहीं आता था तो दूसरा बना के दे रहा है तो नेक्स्ट एक लड़का ने शेड के लिए uh, मैट लेकर आए थे तो इस तरह एक दूसरों का बेनिफिट हो रहा है ओके नेक्स्ट व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ द बॉयज़ मस्ट वर्क एंड एर्न देयर मनी बाय गेटिंग मोर फैसिलिटीज आप दोनों साथ ये दोनों साथ में काम करेंगे और पैसे कमाएंगे एंड दे यूज़ देर मनी टू मोर फैसिलिटीज व्हाट वुड दे डू नाउ टू गेट मोर फैसिलिटीज़ अभी उनको और फैसिलिटीज़ चाहिए थे उनके लिए वो क्या करेंगे वो दोनों कुछ काम करेंगे पैसे कमाएंगे और मोर फैसिलिटीज़ पाएंगे नेक्स्ट वेयर वुड द बॉयज़ बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम वो वेजिटेबल्स कहाँ से लेकर आएंगे द बॉयज वुड बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट विच थिंग्स ऑफ नेचर वुड हैव बीन यूटिलाइज बाई द बाय बोथ द फ्रेंड्स ये दोनों बॉयज नेचर की कौन सा फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं इन लोग एयर वाटर वुड ओके लैंड ये सब यूज कर रहे हैं what are the essential things required for a man to live human living ke liye kya essential things required hai? humans ke liye, air water food these are very important to live apart from we also require clothes house and so many things how would these boys keep clear the area around their house ये दोनों बॉयस उनकी जो जहाँ रहते वहाँ पे कैसे क्लीन करते थे ये दोनों एक ब्रूम यूज़ करके एक झाड़ू यूज करके वो एरिया को क्लीन करते रहते थे राइट वाट इज़ मेड फ्रॉम वाट यहाँ पर सम पिक्चर्स दिया है फर्स्ट वन कॉट नेक्स्ट वन फूड आइटम्स है नेक्स्ट क्लॉथ्स है यहाँ पे कॉट के बारे में लिखा है एंड नेक्स्ट फूड एंड क्लॉथ्स के बारे में हमको लिखना है कॉट मेड फ्रॉम वुड ये कहाँ से बनता है वुड से आता है वुड कम्स फ्रॉम ट्री वुड कहाँ से आता है ट्री से आई शेल मेंटेन द ट्री तो हमारा रूल क्या है हमको क्या करना चाहिए आई शेल मेंटेन द ट्रीज हमें कॉट्स चाहिए ना तो उनके लिए तो ट्रीज को बचाना है दैट मीन्स हमारी जरूरत चीज़ों के लिए ट्रीज़ को मेंटेन करना है नेक्स्ट फूड मेड फ्रॉम ग्रेन्स बीन्स एंड वेजिटेबल्स फूड में क्या क्या होता है ग्रेन्स बीन्स वेजिटेबल्स पल्सेस ये सब होता है तो ये सब कहाँ से मिलता है प्लांट्स से मिलता है सो so, हमको प्लांट्स को भी मेंटेन करना चाहिए नेक्स्ट क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन एंड एन ये कॉटन कहाँ से प्रोड्यूस होता है Cotton plant. So, we will also maintain cotton plants.